लेकिन जो चुप को नहीं हुई को कारण अपन देर कर दिया क्योंकि वो तीन कारण है। एक है प्रारब्ध, एक है दिव्य अपराध, एक है प्रज्ञा अपराध। प्रारब्ध को मतलब है तरपेना का जन्म कर करोड़ा कर्म को जग करके अहर्निश यानी दिन रात पाप करता रहा होगा, कोई परवाह है को नहीं क्योंकि देख पड़ो ही को नहीं उन कहे को अपन पाप कर्म करा तो बेह पाओ फोन थानू करके करा चाहे कोई देखे ना आप बचने लेकिन आपने बेरवे पे देख पड़ो एक माँ आपने बताई थी चिपला गई आपके भीतर भागी है और बातचीत तो बस सीधी सुपर कंप्यूटर जरूरी है आप कितना देर हम चला जाओ बातचीत चालू है और थारी सारी सोचना रखे प्रतिक मॉरिट तो सेवन ये को सर्वर डाउन हो गया और न्याय को चक्कर भी चलते ही रहे जिस दिन तेरी फाइल सामने आ जाएगी कब्जा करो उच्चार करो मेरी बात पर विश्वास करो रात में 3 बजे आप अचानक उठोगा अपने ही घर का बाथरूम में पांव घुस जाएगा और आपकी टांग टूट जाएगी बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ यदि भाई टांग रोड पे टूटती तो आप उड़ना लेता डब्ल्यू फादर को चलाया तो सांप लोग गलती करी लेकिन घर आप फिसल का पड़गा भी घर में चले रोजिना चल रहा कुछ थोड़ी बार टांग तेरी बार टांग तेरे प्रारब्ध तोड़ी है आज तेरे मुकदमों खुले ठाकुरगंज और तेरा अपराध सजा दी तेरी टांग तोड़ दी जाए और तुरंत टूट गई कहता ही तो इतना फैसलो रात के 3 बजे वो कोर्ट 24 घंटा चालू रहे या सोचते थे भैया 10 रुपये 5 रुपये टाइम फिक्स है नहीं 24 घंटा चालू रहे वो तभी जाके आपका नंबर पड़े कोई जिला पास पड़े अब बंधु बोल रहे भाई सारा अपराध आवे ये मतलब जो विपत्ति आवे आदमी पे सारी एक साथ ही क्यों आ जाए तो इली आ जाए क्योंकि जिक्का लोग खासतौर से आपको एक पर्सनल वकील रख रहे हैं वो वकील सारा मुकदमा ढूंढ डांट करके तैयार कर पेश कर दे मजिस्ट्रेट को और सुनवाई हुए ना बस सारी फाइल पास ही हेलो कार्ड हम भी यही चाहो भाई थोड़ी बहुत सुधार कर करार करा मैं सब खाली कर दे तो करा गया जीवन को सफल हो जाए पता नहीं ऐसा वकील मिले उम्मीद तो आप करा भाई माफी बढ़िया मिले तो नहीं मिले तो हम तो यही चाहो भाई थारा जत्था भी अपराध करोड़ी फाइला देखी कोर्ट में पहुंच चुकी मारे जत्था ने मैं इकट्ठी कर सका मैं इकट्ठी कर स्टेटमेंट पहुंचा था भाई को फैसलो करो जल्दी हो सके तो और भाई सारी अपराध आप कर लगा तो मारा तो करो भाई गलती आप करी है अपनी थोड़ी थी और कोई भी ऐसा मुजरिम है कि जिनको सजा ले बैठे तैयार है आज तू सजा पा रहे कोई दिक्कत नहीं डर मत सजा मिल रही ना मिल रही हानि लाभ को जीवन को मरण को 10 को 10 को ये झटका सारा बीच में नहीं क्यों हुआ ना क्राउड हो जाए इस प्रकार का और भाई रहीमन विपदा हु बलि जो थोड़े दिन हो थोड़ा दिन की विपदा भी जरूरी है क्यों है हित अनहितिया जगत की जान पर है सब कोई कुण आप में कुण पर है एक उठा पड़ जाए अभी को उठा कब पड़े लगा भी विपत्ति का कारण क्योंकि आपको विपत्ति नहीं है तो दुनिया आपकी है सारी आगे पीछे ढोले जब करा करती अब जो ही सामान खत्म हो गया तो सारे तो भी काम नहीं इसलिए हम भी आपके घर का विवाह होता है जाने की बात
तो पहली चीज है प्रारब्ध। आप जो कर्म कर चुके आप आने बोलगा बोलगा, लेकिन वह दर्द है, आज दे ही छोड़ दोगा, दूसरी दान कर लोगा, लेकिन बात चिप कौन बदले, वो तो कनेक्शन ही कोई है, हैंडसेट बदले जा सिम भाई काम रहेगी। अब तू तो हैंडसेट तो दूसरा बदल लियो, पर सिमर नंबर तो नहीं है, ना थाली फोन डिटेल फोन थोड़ी कट जाएगी, बता सिम सिम कटी जाएगी, तो तू जठे भी जाएगो जी जोनी में जाएगो जी जून में जाएगो बीमे पे सारी डिटेल साथ जाएंगे। अब तू तो थारे कड़ी से पूरी कार्रवाई कर ली थी, हैंडसेट समारे सारा साफ कर दिया, डिलीट कर कर मैसेज भी साफ कर दिया, कॉल लॉग भी साफ कर दिया, लेकिन भी कंपनी वाला खाता वो भी साफ कर दिया, दिन तो बस कंपनी वाला चावल लग तो भी साफ कर दिया, क्योंकि आपने कुछ बात तो कंपनी भी पहुंच कर रहे हैं, कंपनी बहुत ही जवाबदार पासवर्ड है, कंप्यूटर का पासवर्ड से काम करेगा। तो ये जो आप दंड भोग रहे हो देही का, तो पहलो कारण है कहीं प्रारब्ध, और प्रारब्ध ने काटने को तरीको है कोई ढंग को वकील पकड़ो ये, और पांव जाओ कौन ताकि वो आपकी जवाब दूसरों कारण सुनो। दूसरा है दैत्य अपराध। दैत्य अपराध को मतलब है आप जानबूझ कर कोई संत पुरुष को या कोई देवता को अपमान करने की दूसरी ले लिया बद्दुआ ले लिया कर लिया ना वो भी कुपित रहे थप्पड़ तो मार ही सके पीड़ा तो कोई नहीं सके कौन दे और सीधो दैत्य अपराध है आप अपने उठा दें अपने करने से कोई दिव्य पुरुष ना परेशान कर दें। तीसरा तरीको है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध को मतलब है जानबूझ कर कर लो अपराध, भाई संध्या का दिन है गाठ को गाठ डोल रहे हो तो दुकान लागेगी मैं ठाकुर जी के करूंगा फला वकील साहब ये लूंगा, खुद की गलती है बुद्धि को अपराध कर इलाज भी तीन तरह का, एक तो है दिव्य इलाज, दूसरा है मानवीय इलाज, और तीसरा है दानवीय इलाज। दिव्य इलाज को मतलब है आप कोई देवता की शरण ले ली कोई गुरु की शरण ले ली वो आपने रात की छुट्टी दे दिया कल और विश्वास ठीक होगा वो तो है दिव्य इलाज, जिंदगी गुण करना पड़े खाली दो प्रणाम करनी पड़ी प्लीज और गुनाए ठीक होता। दूसरा है मानवीय इलाज जो मानव के द्वारा करो जाए वह गोली ले ले, और तीसरा है दानवी इलाज जिनमें जाता है चीरो लगा दे मारकाट ऑपरेशन वर्तमान में दानवी इलाज प्रधान होता है। आप कहें हॉस्पिटल ले जाओ जाते हैं ऑपरेशन बताऊंगे फिर बताऊंगा जो दानवी इलाज है मानवी इलाज करो यथासंभव पहलो चांस दैवी इलाज करो आप उल्टा चलना फिर साइन कर देगा पहले हॉस्पिटल जाऊंगा हॉस्पिटल भी जब तो मैं को मिल जाए और क्या वो तो रखना ही विषय और पता केस बिल्कुल क्रिटिकल हो जाएगा बिगड़ जाएगा और डॉक्टर के देखो मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया अब देखो ईश्वर के हाथ में है आप उनसे प्रार्थना करो वो कुछ अच्छा ही करेंगे तो कर्म होता है ईश्वर को छे कर